दोस्तों मेरा नाम है जमाल खान और ये है महिंद्रा XUV 500 W8 मॉडल, 2012 का मॉडल है ये गाड़ी। और ये हमारे पास में आई है उत्तर प्रदेश में, एक ज़िला है लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी से हमारे यहाँ तहसील आंवला जिला बरेली आई है, जो कि हमारे यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर है। लखीमपुर खीरी जो है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास, तो वहाँ से ये गाड़ी हमारे आंवला तहसील जिला बरेली में काम होने के लिए आई है और ये हमारी YouTube वीडियो देखकर आई है। तो इस गाड़ी में दोस्तों हम करने वाले हैं इसका फ्रंट और रियर का फुल सस्पेंशन, क्योंकि ये गाड़ी क्या हो रहा है, जब गाड़ी किसी भी ख़राब रास्ते पे यानी गड्ढी गड्ढे वाले रास्ते पे चला रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खटर पटर की आवाज़ आ रही है। तो इसका हम खुलवाएंगे सबसे पहले इसका फ्रंट बम्पर भी, क्योंकि साइड इसकी हमें फैन बेल्ट भी चेंज करना है और इसका थोड़ा सा AC का भी काम है इसमें। तो अभी हमने फाइनली फ्रंट बम्पर जो है वो हमने बाहर निकलवा दिया, आप देख सकते हैं, और इसके बाद में हम खुलवाएंगे इसका आगे की सभी फिटिंग और हम खुलवाएंगे इसका फ्रंट सस्पेंशन। तो फ्रंट सस्पेंशन और इसका रियर सस्पेंशन दोनों खोलेंगे। तो अभी हमने दोस्तों फ्रंट सस्पेंशन आगे का खुलवा रहे हैं, तो इसके ब्रेक पैड हमने निकाल दिए हैं अभी और इसका खुलवाएंगे हम फ्रंट शॉकर जो होता है और सस्पेंशन के बाकी के सभी पार्ट्स भी। तो इसमें इतना ज़्यादा ख़राबी कुछ है नहीं, लेकिन इसमें मेन ख़राबी क्या है कि इसका जो फ्रंट शॉकर है, जैसे कि फ्रंट शॉकर के अंदर के जो बुश हैं, ये जो शॉकर रॉड के अंदर जो बुश चलता है दोस्तों, तो ये बुश जो है पूरी तरह से फट चुका है और इसमें जो डस्ट कवर जो लगा होता है, इसका जो बूट होता है रबड़ वाला, वो भी फट गया है। तो उसकी वजह से इसके अंदर गंदगी भी जा रही है और ये बुश फटने की वजह से इसमें कट 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 की आवाज़ आ रही थी। बाकी शॉकर तो ख़राब नहीं लग रहा देखने में। तो अभी इसको हम खुलवाएंगे और खुलवाकर बाहर निकालते हैं दोनों शॉकर को, फिर दिखाते हैं आपको। तो इसका हमने AC कंडेंसर वगैरह भी हमने खुलवा दिया है, क्योंकि AC का भी काम हो रहा है इसमें। बाकी इसमें जो मेन है वो है सस्पेंशन का काम। तो अभी इसके फ्रंट शॉकर जो हमने दोनों खोल दिए हैं और दोनों शॉकर खोलने के बाद में दोस्तों ये शॉकर रॉड के अंदर जो बुश जो लगा होता है, इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं, ये पूरी तरह से फट चुका है, पूरी तरह से ख़राब हो गया है। और इसीलिए क्या हो रहा था दोस्तों कि जब भी गाड़ी किसी ख़राब रास्ते पर, जो गड्ढी गड्ढे वाले जो रास्ते होते हैं, उस रास्ते पर जब चला रहे हैं गाड़ी को, तो बहुत ज़्यादा इसमें खट 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 की आवाज़ इस तरह की आ रही है। और हालांकि शॉकर इसका लीकेज नहीं है, लेकिन इसकी किट ख़राब हो चुकी है, तो इसकी जो शॉकर स्टार्ट किट है वो हम खोल के निकाल कर चेक करेंगे। और हमने दोस्तों इसका खुलवा दिए हैं पिछले शॉकर भी, जो रियर शॉकर कहलाते हैं। तो रियर शॉकर की कंडीशन भी आपको दिखा दें, क्योंकि रियर शॉकर भी इसी तरह के हो चुके हैं और रियर शॉकर की कंडीशन भी सेम टू सेम, जैसे कि आगे के शॉकर हैं सेम टू सेम, रियर शॉकर पीछे वाले शॉकर भी इसी तरह से हो चुके हैं। तो इसके अंदर की जो स्टड किट है वो भी ख़राब हो चुकी है और पीछे वाले तो शॉकर मेरे हिसाब से दोस्तों पूरी तरह से ख़राब हो ही चुके हैं। बाकी मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूँ अभी। तो इसको अभी हम पूरा बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के आपको शॉकर भी चेक कराएंगे, शॉकर सही है या ख़राब है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से तो पूरा ख़राब ही लग रहा है। तो ये शॉकर रॉड का जो बुश है, बुश की इसकी भी कंडीशन आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह से ये बुश भी जो है पूरी तरह से फट चुका है और इसकी जो शॉकर स्टड किट है पूरी ख़राब हो चुकी है। बाकी शॉकर को दबा कर देखते हैं, इस रॉड को जैसे ही हम दबा कर छोड़ते हैं इसे वापस आना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में शॉकर रॉड को जैसे ही हमने दबा के छोड़ा, ये एक इंच भी बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि इसका जो प्रेशर अंदर का पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और शॉकर पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया है। तो ये भी एक रीज़न था दोस्तों, जो गड्ढी गड्ढे वाले रास्ते पर जो आवाज़ आ रही थी खटर पटर की गाड़ी में, तो ये शॉकर ख़राब होने की वजह से दोस्तों इस तरह की आवाज़ें इसके अंदर आ रही थी। और सस्पेंशन में जो काम होता है दोस्तों, तो हम एक एक करके सभी आपको चेक करा रहे हैं, जैसे कि इसकी शॉकर स्टड किट हैं चारों शॉकर की, वो तो पूरी तरह से ख़राब हो ही चुकी हैं, और इसके जो शॉकर हैं पीछे वाले दोनों ख़राब हैं, लेकिन आगे वाले शॉकर दोनों ही सही हैं। तो अभी पीछे वाले जो दोनों शॉकर हैं वो हमने गैब्रियल कंपनी के ओरिजिनल नए मंगवा लिए हैं। बाकी इसका प्रेशर हम आपको चेक करा दें, तो ये देखिए नए शॉकर का, जैसे ही हम नए शॉकर की रॉड को अंदर की तरफ दबाएंगे और दबाकर जैसे ही छोड़ेंगे, तो 4 से 5 सेकंड में पूरी रॉड को बाहर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अभी हमने रॉड को छोड़ दिया है और लगभग इसे पूरी रॉड को बाहर आने में 4 सेकंड लगे। दोबारा दिखाता हूँ, दोबारा दबाओ ज़रा। तो दोबारा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे ही हम इसको दबाकर छोड़ेंगे तो इसको लगभग 4 से 5 सेकंड में पूरी रॉड को बाहर आना चाहिए। तो वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस शॉकर के अंदर, क्योंकि ये तो नया शॉकर है, उसके अंदर प्रेशर है और ये शॉकर बिल्कुल सही कंडीशन में है, और पुराने वाले जो शॉकर थे उसकी रॉड को जब हमने दबाया तो वो अंदर ही बैठे रह गए, वापस से रॉड बाहर नहीं आई।
तो यानी कि जब भी कभी शॉकर भी कमज़ोर हो जाते हैं या स्टार्ट किट कट जाती है तब भी इस तरह की दिक्कत आती है। चलिए दिखाते हैं अभी आगे वाली स्टार्ट किट। तो दोस्तों ये फ्रंट शॉकर की स्टार्ट किट है। स्टार्ट किट के अंदर दोस्तों ये चार पांच आइटम होते हैं, जैसे कि एक रबड़ वाला बूट होता है, एक इसकी सीट होती है कॉइल स्प्रिंग की, एक बेयरिंग होता है अंदर, और दोस्तों इसके जो एक होता है शॉकर रॉड का बुश जो सफ़ेद रंग का आपको दिख रहा होगा। तो ये चार आइटम होते हैं और एक होता है इसमें साथ में 19 नंबर का एक नट होता है, 18 या 19 नंबर का, जो शॉकर रॉड में जिससे टाइट किया जाता है ऊपर का माउंटिंग लगा के। तो ये इस तरह की होती है शॉकर स्टार्ट किट। तो ये शॉकर स्टार्ट किट दोस्तों हमने ओरिजिनल मंगवा ली है और ये हम शॉकर में नहीं लगाएंगे। तो ये शॉकर जो है दोस्तों हमने चेक किया था, ये आगे वाले दोनों शॉकर बिल्कुल सही हैं। जैसे ही हमने इसको दबाकर छोड़ा तो रॉड फटाफट बाहर आ रही है, यानी 3 सेकंड में 4 सेकंड में पूरी रॉड बाहर आ रही है। तो शॉकर यानी आगे वाले बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसकी जो है सिर्फ और सिर्फ शॉकर स्टार्ट किट ख़राब थी, जो कि इसका बुश है और इसकी कॉइल स्प्रिंग की सीट है। तो ये सब आइटम हमें इसके बदलना है, इसकी हमने साफ़ सफाई भी कर दी और ये शॉकर स्टार्ट किट जो है वो हम नहीं लगवा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको एक आइडिया ये भी लग जाएगा, जो लोग भी हमारे पास में फ़ोन करते हैं हमारी वीडियो देखे कि सर हमें सस्पेंशन का काम कराना है तो कितना खर्चा आएगा, तो इस वीडियो से आपको एक आइडिया ये लग जाएगा कि सस्पेंशन खुलने के बाद ही पता लगता है। जैसे कि अभी ये गाड़ी का हमने फ्रंट का और रियर का पूरा सस्पेंशन हमने खोला, लेकिन इसमें हमने सस्पेंशन खोलने के बाद में जितने भी सब पुर्जे हैं इसके वो सब हम चेक करते हैं, तो जितने सारे पार्ट्स जो हैं वो सही होते हैं पुराने वाले, अगर तो वो पुराने वाले पार्ट्स हम धोकर बांधकर साफ़ करके पुराने वाले ही लगा देते हैं और जितने पार्ट्स ख़राब होते हैं वो हम नए डाल देते हैं। तो यानी कम पैसे में भी सस्पेंशन का काम हो जाता है। जैसे कि इसके सस्पेंशन में अभी हमने खोला है तो उसमें जैसे आगे के दोनों शॉकर सही निकले तो दोनों शॉकर के पैसे अभी कस्टमर के ये बच गए, बाकी पीछे वाले शॉकर ख़राब थे तो पीछे वाले शॉकर तो हमें नए डालना पड़े हैं। तो आगे का सस्पेंशन और पीछे का सस्पेंशन ये दोनों ही हम कर रहे हैं कम्प्लीट। और इसमें खर्चे की अगर बात करें दोस्तों, तो क्योंकि इसके जो चिमटे के जो बुश हैं, जो लोअर आर्म के जो बुश हैं, वो चारों बुश बिल्कुल ठीक निकले हैं, बस इसकी लिंक रॉडें ख़राब थी, आगे वाली लिंक रॉडें हम चेंज कर रहे हैं और इसके बैलेंस रॉड के बुश, और बाकी जो है इसके शॉकर वगैरह यही लगा रहे हैं और शॉकर स्टार्ट किट। बाकी पीछे का सस्पेंशन के जो बुश सही निकले हैं, सिर्फ चार बुश जो लिंक रॉड के होते हैं वो ख़राब हैं। और दोस्तों ये हैं इसके फ्रंट लोअर आर्म नीचे वाले चिमटे जो कहलाते हैं आगे वाले, तो इनके चिमटे के जो बुश हैं दोस्तों ये भी बिल्कुल सही हैं, रबड़ वाले, ये कहीं से टूटे फटे या चटके नहीं हैं, तो ये बुश के पैसे भी कस्टमर के बच गए। बाकी इसके टायरोट एंड बील और रैक इनर बाल जॉइंट वो सब ठीक हैं, बाकी इसका बील जॉइंट जो है दोस्तों बील जॉइंट ख़राब है, बील जॉइंट हम बदल देंगे। तो इसमें जो खर्चा दोस्तों जो लगने वाला है, आप लोग जो खर्चा पूछते हो ना, तो वो खर्चा आप ये मान के चलो कि इसमें करीब 50% सामान पड़ गया है पार्ट्स, और बाकी 50% जो ख़राब है वो हम बदल रहे हैं। तो इसमें आप मान के चलिए कि अगर पूरा ये काम जो हम फ्रंट और रियर का कर रहे हैं इसका 50%, तो उसमें खर्चा करीब करीब 30,000 से 35,000 रुपये का खर्चा लग जाता है। और बाकी अगर इसका फुल सस्पेंशन होता है, सभी पार्ट्स अगर बदले जाते हैं इसके, सभी बील जॉइंट, टायर रॉड एंड लिंक रॉड, सस्पेंशन के सारे बुश, चारों शॉकर सब बदले जाते हैं, तो इसका फ्रंट से और रियर तक का जो सस्पेंशन होता है उसका खर्चा आता है करीब करीब 60,000 रुपये का खर्चा आ जाता है दोस्तों। और इसके जो बील जॉइंट हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके जो रबड़ वाले बूट हैं ये फट चुके हैं। तो ये बूट फटने से क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर पानी, कीचड़, धूल मिट्टी सभी जाती है, तो इसके अंदर का ग्रीस जो है वो ख़राब हो जाता है, और वो ख़राब होने के बाद में वो सूखा चल के ये कट जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।